मदद ले लेती तो मैं बुरी बन जाती। फिर सबने ये कहना था बुआ पैसों के लिए आई है, जो कि अभी लोग कह रहे हैं। मदद आती है तो आप लोगे? नहीं, वो हक पहले इसकी मम्मी का है, मेरा पास नहीं है। नहीं, पहले बुआ का है, क्योंकि जितना गॉड ब्लेस करो बच्चे जानो, बड़ी जल्दी ये दिन आएगा जिस दिन माँ तुम्हारे लाल बच्चा कहना चाहूंगा सभी भाइयों को कि जब भी ऐसा कोई केस हो तो दूसरा पक्ष जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ना बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई को टाइम लगता है। आपने बिल्कुल सही हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल करिए। आप लोग कैसे, आप लोग खेल लोग ठीक है? तो गाइस आज मैं दोबारा से पहुंच चुका हूं यहां पे तिलक नगर में, और जसप्रीत बस अभी आ चुका है। तो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और गाइस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने मेरी वीडियो, पहली वाली वीडियो में 24K सब्सक्राइब, मतलब कि सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, व्यूज़ आए गाइस, और यहाँ तक कि लोगों ने कनाडा और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से भी देखी गाइस, और काफ़ी लोगों ने बाहर बाहर से कमेंट भी है, फॉरेन कंट्री से, काफ़ी अच्छा लगा, 100 से ऊपर ज़्यादा कमेंट आए हैं। तो गाइस चलो चलते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। गाइस यहाँ पे धीरे धीरे लोग आ चुके हैं, व्लॉगर भी आ चुके हैं, और हमारा जसप्रीत आगे से दिखा थोड़ा आपको, मैं तो देख सकते हैं जसप्रीत बोल रहा, और सैलिस भाई भी आए हैं। सैलिस और भाई क्या, सब्सक्राइब कर दो गाइस। और इधर नया काउंटर मिला है जसप्रीत को, देख सकते हैं आप, तो देख सकते हैं अब ओपन कर दी है दुकान जसप्रीत, जसप्रीत के भाई ने। तो गाइस काफ़ी अच्छी दुकान है, अंदर चार बल्ब लगाए हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं जसप्रीत की फोटो लगी है रॉयल रोल कॉर्नर के नाम से गाइस, इतना मस्त लग रहा है, यहाँ से ओपन कर दिए बिल्कुल सामने से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं काउंटर कितना मस्त लग रहा है। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसा लगा आपको वो भी नई दुकान? आपने अभी अपने रोल खाया? अच्छा वैसे आप यहीं पर है तो? अच्छा उसे आप जानते थे पहले जसप्रीत को? अच्छा 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 मोमोज भी बेचते हैं? मोमोज भी बेचते हैं? पहले बेचते थे। अच्छा आप खाली रोल? अच्छा अच्छा आपने कौन कौन से रोल खाए हैं? मैंने खाया एग रोल, एग रोल खाया और चिकन रोल नहीं खाया? चिकन रोल भी खाया। अच्छा स्प्रिंग रोल भी खाया। ओके ओके, तो देख सकते हैं गाइस जसप्रीत की बुआ बोरी, जसप्रीत की बुआ आ चुकी है। तो गाइस साफ सफाई हो रही है अभी यहाँ पे दुकान में, देख सकते हैं उनकी बुआ जी कर रही हैं। गाइस अभी कह रही बुआ जी तो मम्मी आज आएगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा गाइस, काफ़ी आप मतलब कि मेरे ब्लॉग में देख पाएंगे आंटी जी को, तो वीडियो के लास्ट गाइस बने रहना ठीक है। ज़्यादा प्यार है जसप्रीत के दिल में, ऐसा क्या है, क्या खासियत है, क्या आपने घी के पराठे ज़्यादा खिलाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भी मुझे मेरे बगैर नहीं रहते हैं, मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहते हैं, इसके जो पापा थे वो भी समझ लो कि मेरे साथ ही रहते थे ज़्यादातर, इकट्ठे जाना आना खाना पीना सारा कुछ हमारा इकट्ठा होता था बचपन से लेके बड़े होने तक। बाकी ये है कि बीच में शादी के बाद थोड़ा सा नाता टूट गया, लेकिन फिर जुड़ गया, फिर टूट गया, फिर जुड़ गया, वो बनता रहा है उसके साथ। तो अभी जैसे लोग आ रहे हैं जसप्रीत की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे भी सुनने में कि जसप्रीत ने मदद लेने से मना कर दिया, कहते हैं अपनी मेहनत से बढ़ूंगा आगे, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? ये तो अच्छी बात है, अगर मैं मदद ले लेती तो मैं बुरी बन जाती। फिर सबने ये कहना था बुआ पैसों के लिए आई है, जो कि अभी लोग कह रहे हैं, अभी मैंने कुछ लिया नहीं है, सब कुछ अपनी तरफ से लगा रही हूँ, जो बच्चे यहाँ पे कमा रहे हैं मैं उसी में घर चला रही हूँ, उसी में अपनी दुकान चला रही हूँ, मैंने कुछ फालतू नहीं किसी से। अगर भविष्य में कोई मदद आती है तो आप लोगे? नहीं, वो हक पहले इसकी मम्मी का है, मेरा पास नहीं है। नहीं, पहले बुआ का है, क्योंकि जितने भी वीडियोस में जसप्रीत ने कहा है आपके बारे में, कहा कि बुआ ने ही हमारा ध्यान रखा, ख्याल रखा। देखिए मैं यही कहूंगी कि अगर बच्चे बोल रहे हैं तो वो माँ को सोचना चाहिए बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन माँ को ये लगता है कि बच्चे भड़काए हुए हैं, सबको ये लगता है कि मैंने बच्चों को भड़काया। आप देख लीजिए आपको किसी के एंगल से लग रहा है कि मैंने इनको भड़काया है या मैंने इनको दबाव डाला है, कुछ नहीं डाला है। तो आने वाले समय पे अगर लोग आपकी मदद करते हैं तो आप बेफिक्र होकर मदद लीजिएगा, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब फेम मिल जाती है, लोग पॉपुलर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि हमारी ये गलती हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। आपको भी क्या इस बात का डर लगता है? नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, भगवान ने जो दिया जितने नहीं।
एक मैम इंटरनेट पे वीडियो वायरल हो रही थी कि जसप्रीत की मम्मी जो है वो वापस आ गई है, तो ऐसा वापस आ गई है जसप्रीत की मम्मी, वापस आ गई है आने वाले तो मैम। ऐसा सुना था कि वो आएंगे स्टॉल पे भी आपके, तो ऐसा कुछ भी है? आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए। तो वो कह रहे थे कि भाई बच्चे के वो तो उनके हस्बैंड की जो कार्ड थी वो खुद संभालेंगे, अब वो मैनेज करेंगे, तो ऐसा उनके हस्बैंड की जो कार्ड थी वो ये थी, ये वाली कार्ड उनके हस्बैंड की थी, ये वाली थी। उसके बाद जो कार्ड लगी है वो बच्चे की मेहनत है, वो जसप्रीत की मेहनत है, ये जो कार्ड है ये जसप्रीत की मेहनत है, उस बच्चे ने अपनी मेहनत से कमाई की मेहनत है। ये पापा की कार्ड थी, ये जो कार्ड थी जो पापा उसकी मम्मी चलाती थी, उसके पापा चलाते थे, वो ये दिन तक उसकी मम्मी ने शायद ये कार्ड चलाई थी। अच्छा, जसप्रीत ये जो रोल बनाते हैं जसप्रीत, इनको रोल बनाने किसने सिखाया? इसके पापा ने, इनके पापा ने सिखाया। सभी तरीके के रोल वो बनाते हैं, जैसे एक होता है ना कि आप शेफ रखते हो, एक्सपर्ट शेफ, हमने काफी सारी वीडियोस में देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं। जो पहले रोल बनाना था, सबसे पहले इसके चाचा, सबसे पहले इसके चाचा, फिर इसके पापा, उसके बाद ये बच्चा है। और ये बच्चे ने भी रोल बनाना एक हिसाब से पूरी तरीके से भाई से सीखा है। तो गाइस अब रोल बनाना स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप ये वाली कार्ड देख रहे हो ना, ये किसी यहाँ के एमएलए ने दिए ये वाली कार्ड, और काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं। अंदर में आप तीन चार बल्ब लगे पड़े हैं, और उसी बारे में मतलब कि इनकी बुआ जी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे दोबारा से थोड़ा मतलब कि भीड़ हो चुकी है, जैसे कि आप देखा जाए जब मैं आया यहाँ पर मैंने भीड़ देखी गाइस, और थोड़ा इससे मतलब कि इस रूट में जाम लग जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आ रहे हैं लोग, देख रहे हैं, देख सकते हैं सब यहीं पर, सबकी नज़र यहीं पर है गाइस, और सैलेश की नज़र यहीं पर है कार्ड में, क्योंकि सैलेश भाई को पनीर रोल खाना है, पनीर रोल चाँप रोल, तो चलिए चाँप रोल खाना है भाई को, और भाई मुझे भी खिलाएंगे साथ में। और देख सकते हैं गाइस, देखिए आ गया, अच्छा वो आया है, इन्वेटर आया गाइस, देख सकते हैं इन्वेटर, ताकि मतलब कि फिर उसमें लाइट जलेगी, आपको बताइए। आप लोग भी इनको सिखाओ। तो गाइस जैसे देखा जाए तो आंटी ने कितना प्यार दिया, और भैया भी बोल रहे हैं कि गलत वीडियो में हमें आना, और ज्यादा से ज्यादा भाई को सपोर्ट करो, जसप्रीत को काफी मेहनत करा, देख रहे हो गाइस उनकी, आपने मतलब जसप्रीत की आपने आंखें देखी गाइस कितनी, मतलब की नीचे थोड़ी डार्क सल कर और रखे गाइस उसके, बच्चे पे दुख भी हुआ है और खुशी भी बहुत हुई है कि बच्चा मेहनत है, कल को कुछ फेक नहीं मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा, गंदा काम नहीं कर रहा, बच्चा मेहनत कर रहा, अपना कमा रहा है, बहन सिस्टर छोटी है 14 साल की, उसको पाल रहा है, बड़ा कर रहा है, तो वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पसंद आया हमें तो देख के, बहुत बड़ा काम कर रहा है, काम करते हुए हमने जितनी ये मेहनत कर रहा है ये बच्चा, इसको सब सपोर्ट करो, प्लीज हेल्प करो, और आप ये बच्चे की हिम्मत बढ़ाओगे तो तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे। ये तो वो 14 साल की सिस्टर है, छोटी बहन है, जी साथ हैं, कर रहे हैं मेहनत, लेते सभी साथ हैं, हम पहली बार आए हैं, इंस्टा देखिए आ रहे हैं, तो मिलने के तो आपने यहाँ रोल खाया, यहाँ पे है आपने रोल खाया जसप्रीत का है? रोल खाया, रोल आपने नहीं, अब लेंगे ना रोल, अब आए हैं तो। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम खाओगे आप? देख के काके आ जा इधर, रोल तेरा खाएंगे, आजा काके, अरे काके आजा इधर आ, यार गाइस जसप्रीत की मम्मी आ चुकी है, देख सकते हैं आप। आपको जसप्रीत के क्या लगते हैं? मैं आपकी तरह हूं, और हरमीत सिंह जसप्रीत की मम्मी। आपने इनको, मैंने इनको वीडियो में देखा था, और यूट्यूब की इनका खुद का चैनल है, ये पंजाब भी गए थे, और जसप्रीत की मम्मी को लेके आए गाइस। वीडियो हम जरूर डालते हैं, लेकिन असली उपराला यही है, मैं आपको मैसेज भी देना चाहूंगा सभी भाइयों को कि जब भी ऐसा कोई केस हो तो दूसरा पक्ष जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ना बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई को टाइम लगता है। आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अब जसप्रीत की माता जी आ चुकी है आज, तो जैसे कि क्या होता है सोशल मीडिया पर कोई जब वायरल होता है, पहले उसके घर वाले साथ छोड़ देते, लेकिन वायरल होने के बाद आते हैं,
तो इस बारे में आप ये कहना चाहते हो कि ऐसी नेगेटिविटी ना फैलाए। दूसरा पक्ष आप रखना चाहेंगे, दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष रखा है ना, सोशल मीडिया में डाला हमने। असल में कि जरूरी नहीं होता कि हर परिवार में इतनी मजबूती हो या वो समाज के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, सामने आने से भी डरते हैं कैमरे। और वैसे भी अभी सोशल मीडिया पर ये बात हुई है कि इनके जो फादर साहब है वो 14 अप्रैल को गुजरे थे, तो ऐसे में जाहिर सी बात है जसप्रीत की माता जी भी सदमे में थी। जिस हालात में थी कि वो कुछ बोल सके कुछ कर सके, तो उन्हें भी एकांत चाहिए था। पीछे बच्चा संभालने के लिए बुआ थी, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सहमत हूँ। और जो बुआ ने रोल निभाया है, ये मेरे हिसाब से हर परिवार में बुआ का ये फर्ज बनता है कि जब भाभी घर पे ना हो तो वो बच्चों को संभाले। और पिछले एक महीने से बुआ ने समझो पूरा माँ का फर्ज तो निभाया ना। बुआ के भी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो इस वक्त देखो भी अभी भी लगी है। और माँ भी इस वक्त यहाँ पे पहुंची है, उन्होंने कोऑपरेट पूरा किया, फैमिली को एक्सेप्ट किया और आज एक फैमिली है फिर दोबारा एकजुट हो। तो आने वाले समय पर जैसे जैसे बच्चा और वायरल होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो गलत थंबनेल डालकर कुछ कुछ लिख देंगे कि माता जी पहले नहीं थी या बाकी, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? लोगों की सोच है, हर बंदे का अपना दिमाग है, वो क्या यूज करते हैं उसकी सोच है। लेकिन मेरे लिए ये खुशी की बात है कि हमने आज परिवार को एक कर दिया। मैं चाहूंगा सभी यूट्यूबर भाइयों को भी कि हम सिर्फ व्यू लेने के लिए हमने गलत ना बनाए, हम इस परिवार को एकजुट करने में उसमें सहयोग करें। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हो यही वो शख्स है जिन्होंने जो जसप्रीत को है उनकी माँ से दोबारा मिलवाया, इनके घर गए थे उन्होंने बताना चाह रही हूं। पंजाब तक गए थे, पंजाब तक एक बच्चे को अपनी माँ से मिलाने के लिए, जो भी उनकी मतलब किला शिकायत है वो दूर करने के लिए। बिल्कुल, हर नागरिक का पहला फर्ज यही बनता है कि अगर किसी परिवार को कोई दुविधा आ गई है, कोई डिस्प्यूट है उनमें, उसको बैठ के निपटाया जाए। क्योंकि कहावत है कि अगर कोई रिश्ता बसता है तो हाथ जोड़ के बचा लेना चाहिए। तो उसमें एक रोल मेरा छोटा सा कोशिश थी जो आज मेरे को लगता है कामयाब हो गया। अगली कोशिश आप सभी भाइयों ने करनी है कि यूट्यूब पे अच्छा मैसेज जाए और उनकी फैमिली इसी तरीके से मिलके काम करे। और ये जो बच्चा जस्ट 10 साल का है अभी और इतनी सी उम्र में इतनी मेहनत करता है, बढ़िया बढ़िया रोल बनाता है, ये इसको बनाना किसने सिखाया? सर वो पहले अपनी माँ के साथ भी यहाँ पे करता रहा, क्योंकि इसके फादर साहब जब बेड पे थे तो अपनी माँ के साथ भी यहाँ पे आता रहा। बाकी ये ना कुदरती बख्शिश होती है, उस परमात्मा की मेहर होती है। कि नहीं तो आप देखो कि बच्चे छोटे छोटे कितने मेहनत करते हैं। जसप्रीत क्यों वायरल हुआ? क्योंकि उस वाहेगुरु की इसके ऊपर। और अभी जैसे बच्चा काम में ध्यान देता है, साथ में पढ़ाई भी करता है, तो काम के दौरान बहुत सारे लोग आते हैं माइक लेकर इनका इंटरव्यू लेकर, क्या इस वजह से ये डिस्टर्ब होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन बाद हमने इसका पूरा फोकस माँ और बुआ की मैंने जिम्मेवारी लगा दी है कि बुआ और माँ इधर उधर दोनों मिल के इस बच्चे की पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे और बच्चा ही पढ़ेगा। यहाँ पे कार्ड पे सिर्फ ये घर वाले खड़े होंगे। थैंक यू भैया। तो पढ़ाई का जो पूरा इंतजाम है जसप्रीत के आगे का भी कर दिया गया है। तो एक आपसे सबसे गुजारिश यही है कि भाई नेगेटिविटी मत फैलाएं बच्चे के बारे में। वो छोटा सा बच्चा है, वो कुछ जानता भी नहीं है, कुछ देखा नहीं है, खेलने कूदने की उम्र है। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि नेगेटिविटी ना। बड़ी जल्दी वो दिन आएगा जिस दिन माँ आखिरकार एक देख सकते हैं गाइस, जिसके लिए हमने रो रही है, जिससे फैमिली जो बैठ रहा है वो कोशिश जरूर करिए, जो फैमिली एकजुट होके
एकमत हो के यह वर्ग नाम अगे बधाए क्योंकि बच्चे के उत्ते बच्चे बथेरे यहोजे काम करते हैं लेकिन वायरल होने वास्ते नंबर क्यों आया क्योंकि उस वाहेगुरु ने कृपा की। मैं सारी संगत को अपील करता जेड़े दिन का इंतजार से सारे सिमरन बच्चों की माँ भी अपने खड़ी हो खड़ी हो आखिरकार वो दिन आ गया। आज सू पहले पूछना चाहूंगा कि जस्ट मम्मी रो रही थी और आंटी जी अभी पीछे खड़ी है देख सकते हैं ये रही आंटी। मैं जूम करके कैमरा दिखा रहा हूँ और जसप्रीत अभी वहाँ रोल बना रहा है सबके लिए और यहाँ पे काफी भीड़ हो चुकी है पहले से ज्यादा भीड़ हो चुकी है गाइस देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी जसप्रीत के नाना जी भी थे अभी चल गए यहाँ से कहाँ पर है दिखाता गाइस वो खड़े गाइस जसप्रीत के नाना आप देख सकते हैं ये तो गाइस काउंटर बच्चे हो चुके देख सकते हैं आप। आज काउंटर बच्ची हो चुकी है मतलब की दीदी दी बनाओ वीडियो बनाओ इधर भाई दूसरे कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है यहाँ पे आपस में एक मिनट साइड दे दो वाहेगुरु की कृपा है इनका पहला वीडियो किसने बनाया था इनका पहला वीडियो ये मैम ने बनाया आप आगे आ जाओ नहीं आपने बनाया था भैया आपने सपोर्ट किया था पहले ये पहला वीडियो इन्होंने बनाया था। अगर ये ना देखते तो ये बच्चा वीडियो बना नहीं रहा था। मेरे बेटे ने आगे इसको किया मेरे बेटे ने बोला कि नहीं ये वीडियो बना ले कोई बात नहीं अगर क्योंकि पता नहीं कहाँ से कहाँ राजा बन जाएगा। आज वही बात हुई जिसने बनाया वो बेचारा पीछे खड़ा है और जो वायरल हो गया वो आगे खड़ा है। तो क्रेडिट तो कोई और ले रहा है यहाँ पे की कोई बात नहीं लेने दो भगवान की जो मंजूर है। तो बच्चे ने अपना नाम दिया नहीं बाकी लोग कोई बात नहीं बच्चे ने अगर अपना नाम डाला है क्योंकि मेरे बेटे ने सपोर्ट दिया फिलहाल गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ। काफी अच्छा खासा रिस्पांस दिया हमने मेरी वीडियो में 24K व्यूज आएगा इसमें और काफी सब्सक्राइब भी जुड़े हैं गाइस उनका दिल से वेलकम करता अपने चैनल में गाइस और काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री से मेरी वीडियो देखी गई कनाडा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से और जर्मनी से भी गाइस काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए हैं
और जैसे कि आप देख सकते हैं, जाके मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाके वाली वीडियो भी हो सके तो आप देख लेना गाइस। और उसकी मम्मी भी आ चुकी है जसप्रीत की, और गाइस काफ़ी रो रही थी जैसे कि आप देखा जाए, और मतलब कि ना आसपास के जो मतलब कि लोग खड़े थे मेरे, तो गाइस ये भी बोल रहे थे कि जब मतलब कि बच्चा वायरल हो गया जब जाके आ गई, अगर बच्चा वायरल नहीं होता तब आती भी नहीं गाइस। यहाँ तक कि आपने उनके नाना को भी देखा, नाना भी थे साथ में, और गाइस मतलब कि ना वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी आपस में उनकी, चाहे से वो भी रिलेटिव भी थे, और तभी तो उनकी मम्मी जसप्रीत की मम्मी बोली वीडियो बनाओ इस बारे में जो मतलब कि लड़ाई वड़ाई हो गई थी, और काफ़ी रो भी रही थी उनकी मम्मी। और गाइस अपनी राय भी देते ना प्लीज़ गाइस कमेंट में, आप जहाँ से देख रहे हो गाइस, और ये भी डाल देना जहाँ से आप देख रहे हो फॉरेन कंट्री, खासकर लुधियाना, पंजाब, अमृतसर और पटियाला गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक कि उनकी बुआ बोल रही थी कि दूर दूर से लोग मतलब कि पंजाब साइड से यहाँ पे चिकन रोल खाने आए हैं तिलकनगर में, और काफ़ी कमेंट भी कर रहे हैं। और यहाँ जैसे कि कुछ लोग भी आए थे मुंबई से भी आए थे मतलब कि जसप्रीत से मिलने, और नया काउंटर भी देते जसप्रीत को, और बस क्या बोलना चाहूँगा गाइस, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और गाइस जल्दी से 1K कर देना। और गाइस काफ़ी अच्छा लगा मतलब कि 24K व्यूज़ आए हैं मेरे मतलब मेरी वीडियो में, और गाइस 5 साल की मेहनत है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।